अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि जिस तरह हम डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाते हैं तो हमें वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन नज़र आता है, जिस पे हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट बता सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जैसे कि इस वेबसाइट पर ये कॉन्टैक्ट चैट अस का जो है हमें शो हो रहा है बटन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देखें यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो मैं इनके साथ चैट जो है वो कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को आज हम बनाना देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में इसको किस चीज़ के साथ जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा, तो हम प्लगइन्स में जाते हैं। आप सिंपल सर्च कीजिएगा लाइव चैट तो आप काफ़ी सारे प्लगइन मिल जाएंगे, लेकिन आज हम एक खास प्लगइन की बात करेंगे। ये हमारा प्लगइन है जिसको आज हमने यूज़ करना है, WP लाइव चैट प्लगइन वर्डप्रेस TDU। तो ये बहुत अच्छा और पावरफुल प्लगइन है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। जी तो ये इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको चले एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसका सेटअप करते हैं। जी तो प्लगइन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे हमें साइड बार पे यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको फर्दर जो है सेटअप करते हैं। देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस देना होगा। चले मैं अपना कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और लेट्स गो पर क्लिक करते हैं। इट विल टेक सम टाइम। जी तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का नेम बता सकते हैं या अपना नेम जो आपका दिल है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलें मैं अपना नेम बता देता हूँ यहाँ पे। ओके तो इसके बाद अब हमने कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है यहाँ से। तो मेरी वेबसाइट है ये, तो मैं इससे रिलेटिव जो है वो कलर सेलेक्ट करूँगा। ये ऑलरेडी सिलेक्ट है तो मैं इसको बाकी अगर आप फर्दर कलर जो है पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ शेड्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप जो है कस्टम कलर जो है वो बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश ही रहने देता हूँ। जी तो ये बता रहा है साइड पर कि आपको जो है चैटिंग बॉक्स कुछ इस तरह का शो होगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जी और वो कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी कंट्री बताएं, जी पाकिस्तान, यहाँ पे आप अपना एड्रेस बताएं, लोकल होस्ट के अंदर होम डॉट इसलिए क्योंकि ये बेसिकली बना है ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिए, तो हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये इसका है कि ये डॉट जो कॉम जो हम लगाते हैं, तो इसलिए डॉट्स जो है ये बाई डिफ़ॉल्ट हमसे मांग रहा है, तो हमें इसको देना होगा। इसके अलावा जो है ये रेड लाइन शो कर देगा, एज दे देगा, तो डॉट आप जो है वो लगा दीजिएगा। यहाँ पर मेल और उसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर इसको अदर्स पे क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर जी हमें आपकी टर्म एंड कंडीशन जो है एक्सेप्टेड है, तो उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जी तो उसके बाद ये कुछ इसने टेम्पलेट्स हमारे सामने शो कर दिया है कि अगर आप इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का शो होगा व्यू। तो अगर आप इस पर करते हैं आस्क मी इफ़ दे डोंट लाइक टू ऑर्डर अ फोन कॉल, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। यस प्लीज़ पे क्लिक करेगा तो आपका जो है वो चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये जस्ट ग्रेट दम वर्थली, और अगर आप इस पर क्लिक करना चाहते हो तो आप सिंपल उसे ईमेल लेकर उसकी जो है प्रॉब्लम अगर आप सिर्फ फेच करना चाह रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक आर्टिफिशियल जो है असिस्टेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि तकरीबन
ईमेल तक या एक जब आम जर्नल जो बातें होती हैं वो खुद ही डील कर लेगा, हैंडल कर लेगा। तो मैं इसको इसी पर रहने देता हूँ और उसके बाद हम अच्छा यहाँ पे कस्टमाइज द मैसेज पे आप मैसेज जो है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैसेज जो है वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोई इमोजीज वगैरह जो है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो डिफरेंट टास्क जो है वो आप इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसको यही रहने देता हूँ, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज जो है वो कर सकते हैं। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जी। तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड सेट करना होगा, तो मैं कोई भी रैंडम पासवर्ड जो है वो सेट कर देता हूँ। नीचे भी सेम, ओके जी। चेंज पासवर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओके हो गया जी, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। ठीक है, तो ये इसके फर्दर स्टेप्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना होगा। ओके जी, ये जो स्टेप है इसके अंदर हम बता सकते हैं कि हम इतने से इतने टाइम तक जो है हम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट जो होते हैं उनकी एक मखसूस लिमिट होती है कि वो सुबह 7 बजे से या 8 बजे से, या उनकी एक टाइमिंग होती है, एक शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक जब वो ऑनलाइन रहती हैं मतलब एक्टिवेट रहती हैं। और उसके अलावा जब एम्प्लॉयज़ की छुट्टी होती है तो वो कह देते हैं कि हमारी वेबसाइट पे इस टाइम जो चैट करने वाले वो ऑफलाइन है, तो जब वो आएंगे तो वो आपको रिप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे जो है वो टाइम शेड्यूल जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, यहाँ पे सैटरडे संडे, संडे को ऑफ है जी, ठीक है, सैटरडे को नहीं, हम प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं काम करने के लिए। तो टाइमिंग यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। ओके जी, सो इनेबल नोटिफिकेशन भी करते हैं, वो मैं एड ब्लॉकर यूज़ कर रहा हूँ तो ये नहीं हो सकता। तो आप लोग नहीं यूज़ कर रहे होंगे आई होप सो, तो आप लोगों के लिए वो इनेबल हो जाएगा पॉपअप स्क्रीन के साथ। ओके जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ISO में, एंड्रॉयड में, विंडोज़ में, ताकि जब भी कोई कस्टमर कॉन्टेक्ट करे तो आप लोगों को यहाँ पर मैसेज आ जाए, आपको स्पेशल वेबसाइट ओपन करके देखना ना पड़े। ये डेस्कटॉप के लिए। ओके जी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटीग्रेट विद मैसेंजर, मतलब कि आप अपनी इस जो है इस ऐप को या इस प्लगइन्स को कह सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी मैसेंजर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको मैसेंजर पर मैसेज आ जाएंगे, वो फेसबुक के अंदर ऐड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा से आपको सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप इसको कर देखना चाह रहे हैं तो आप इसको ये कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट कर सकते हैं कि इसके साथ मैंने बात की है, या जो भी फर्क चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं चैट के अंदर, तो अभी यहाँ पर वो बता रहा है कि कोई चैट भी नहीं है, तो चले हम अपने पेज को जो है वो ओके यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो उसने वेबसाइट ओपन कर दी हमारी। इट विल टेक सम टाइम जी, तो ये देखें ये हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। तो चले हम ऑफिशियल साइट पर जाते हैं और फिर देखते हैं। चलें जी, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमें साइट पे शो हो जाए जो प्लगइन अभी हमने ऐड किया है जी। तो ये देखें ये साइट पे शो हो चुका है। ओके जी, मैं कहता हूँ यस प्लीज़। ओके जी, ये देखिए अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ से चीज़ें जो है वो क्रिएट करके मुझसे पूछ लिया कि आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं या फ़ोन नंबर के थ्रू। तो मैं कहता हूँ जी मैं ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझसे ईमेल मांगेगा, तो मैं सिंपल अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ओके जी, जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड करूँगा तो मुझे तरफ जो है मैसेज आ चुका होगा। ये देखें जिस ईमेल से मैंने सेंड किया है वो यहाँ पर मुझे उसने सारी चैट और मैसेज दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर कोई रिप्लाई करता हूँ तो आप लोगों को इस साइड पे मुझे रिप्लाई जो है वो शो होगा जी। ये देखें ये रिप्लाई मुझे शो हो रहा है। सो ये बहुत पावरफुल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए आपको इसको बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी जो है हमें
फ्री में जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। ये देख किसने बता भी दिया साइड पे कि विंडोज़ का यूज़र है और उसकी लोकेशन ये आ रही है इस वक्त, और आप चैटिंग को जो है वो रेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी ये फर्दर इसके ये एनालिसिस है कि आपके वेबसाइट पे कौन कौन आ रहा है, कितने लोग आकर चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, तो ये टेम्पलेट्स है, कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं ईमेल को, कि आपको सिर्फ जो है स्पैम चीज़ें ना आए, सिर्फ ऑफिशियल ईमेल जब कोई ऐड करता है तो वही सिर्फ आए और कोई चीज़ आपको ना नजर आए जी। तो यहाँ पर सेटिंग में अगर आएँ तो आपको वो यहाँ पर कुछ सेटिंग दिखा रहे हैं। ओके, जब ऑनलाइन स्टेटस हो तो हम उस पर कौन सा मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं, मतलब ये वाला, ये वही रिप्लाई मुझे इनके, ठीक है। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि राइट साइड पर शो हो या लेफ्ट साइड पर। और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले चैट व्हेन यू आर ऑफलाइन, जब आप ऑफलाइन हो तो चैट का ऑप्शन तब भी डिस्प्ले हो या ना हो, या फर्दर इसकी जो है सेटिंग है वो आप देख सकते हैं। ये लेबल टेक्स्ट है जो सबसे पहले हमें नज़र आता है चैट विद अस का। ओके जी, तो उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे हाई है, और आप मैसेज यहाँ पर बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा मैसेज यूज़र को शो हो और किस तरह का मैसेज जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवाना चाह रहे हैं तो वो आप मैसेज शो करवा सकते हैं। उसको मुकम्मल आपको कस्टमाइज कर सकते हैं, ये फ्री है। ओके जी, तो इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर आप ट्रैकिंग के ऑप्शन देख रहे हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस वक्त यूज़र जो है ज़्यादा हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो आप जो क्विक रिस्पॉन्स है मतलब ऑटोमेटिकली जो आप इन चीज़ों को, अगर आप ये मैसेज जो हैं इनको एडिट करना चाह रहे हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही जनरेट करके सेंड कर रहा होता है, तो आप इसको जो एडिट भी कर सकते हैं जी। तो ये काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट हमने सारी क्लियर कर ली हैं जी। तो ये डेस्कटॉप एंड मोबाइल, तो ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल हमारे इस वीडियो लाइव चैट का। बहुत से लोग जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, फ्री है और बहुत अच्छा भी है। मैंने खुद इसको ऑफिशियली यूज़ किया हुआ है, तो आप भी, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भी इसी को यूज़ करें जी। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।